आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमें इस क्वेश्चन में एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है। तो आइए इस दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दिए गए बारंबारता में हमें प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है। तो प्राप्तांक को मैं लिख सकता हूँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है और छात्रों की संख्या बारंबारता हो गई। तो वर्ग अंतराल और छात्रों की संख्या अर्थात बारंबारता, ये है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या ये है बारंबारता अर्थात एफ आई। और हमें यहाँ से निकालना है एक्स आई और एफ आई एक्स आई। तो हम सबसे पहले प्राप्तांक ही हमें दिए हुए हैं, 20 से 30 के बीच में प्राप्तांक हैं। तो छात्रों की संख्या है 4, 30 से 40 में छात्रों की संख्या है 28, 40 से 50 प्राप्तांक में छात्रों की संख्या है 42, 50 से 60 छात्रों की संख्या 20 और 60 से 70 इसमें छात्रों की संख्या है 6। और एक्स आई होता है दिए गए वर्ग अंतराल का मध्यमान। तो 20 और 30 का मध्यमान 25, यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर 45, 55 और यहाँ पर 65। तो अब हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो दोस्तों एफ आई इंटू एक्स आई क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई का गुणनफल। तो 25 इंटू 4 का गुणनफल हो जाएगा 100। अब हम करेंगे 35 इंटू 28 का गुणनफल, तो ये आएगा 980। इसी प्रकार 45 इंटू 42 का गुणनफल करेंगे तो इसका मान आएगा 1890। अब 55 इंटू 20 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। और 65 इंटू 6 ये हो जाएगा 390। तो अब हमारे पास एफ आई एक्स आई है और एफ आई है। तो मैं यहाँ से समीशन ऑफ एफ आई अर्थात एफ आई का योगफल निकालूंगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से समीशन ऑफ एफ आई हो जाएगा 100। और हम एफ आई इंटू एक्स आई का गुणन योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा 4460। तो अब हमें इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से इनका माध्य हो जाएगा, माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन एफ आई एक्स आई, इसका मान है 4460 अपॉन समीशन एफ आई 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा 44.6, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन में माध्य का मान होगा वो होगा 44.6। अब हमें इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि इसका बहुलक निकालें। तो बहुलक होता है, बहुलक जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, ये होता है एल प्लस, बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि एल क्या होती है। एल होती है अधिकतम बारंबारता वाली वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता है 42, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा एफ एफ वन, एफ से ऊपर वाली बारंबारता तो ये एफ वन, और एफ टू 20, एफ वन एफ टू के मान आ गए। अब हमें निकालना है एल, एल हो जाएगा सबसे अधिक बारंबारता 42 है तो इसकी निम्न सीमा 40, तो ये एल का मान हो गया। और एच, एच वर्ग अंतराल जितने का वर्ग अंतराल है वो एच का मान हो जाएगा, तो यहाँ एच का मान हो गया 10। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हमारे पास एल बराबर है 40, एफ बराबर 42, एफ वन बराबर 28, एफ टू बराबर ये हमारे पास 20 और एच का मान है 10। तो ये मान मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से बहुलक का मान आ जाएगा एम बराबर एल का मान 40 प्लस एफ, एफ का मान है 42 माइनस एफ वन 28 अपॉन 2 इंटू एफ, तो ये हो जाएगा 42 तो 84 माइनस एफ वन 28 माइनस ऑफ 20 इंटू 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस 14 अपॉन 84 माइनस 48 इंटू 10। तो यहाँ से एम का मान आ जाएगा 40 प्लस 14 अपॉन
84 में से 48 से आएंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10, ये 14 है। तो अब यहाँ से m का मान आ जाएगा 42 प्लस ये 40 है, तो यहाँ पे 40 प्लस 140 बाई 36, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 40 प्लस 140 में 36 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3.88। तो यहाँ से बहुलक का मान आ जाएगा, बहुलक बराबर 43.88, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन में बहुलक का मान होगा 43.88। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।